भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने लिखा है कि विश्व में तीन ही राज ऋषि हुए हैं, राजा जो ऋषि की तरह से हो, पहले राजा जनक, दूसरे सम्राट अशोक और तीसरे मार्कस ऑरेलियस जो रोम के सम्राट थे अशोक से 300 साल बाद, और रोम के महान सम्राटों में अंतिम थे 2000 साल पहले। देखा जाए तो मार्कस ऑरेलियस एक ऐसे राजा थे जो संत भी थे, ऋषि भी थे, उनमें महानता थी, दिव्यता थी, भव्यता के अलावा। उन्होंने 19 साल राज्य किया रोम पर, 10 साल तो युद्ध लड़े, अर्थात महल से दूर दिन में युद्ध लड़ते और रात को अपने आप को एक डायरी लिखते, जर्नल जिसे कहते हैं। प्री मार्कस, दुनिया में तुमने देखा ना कि कई अच्छे लोगों को अच्छाई का फल नहीं मिलता, कई बुरे लोग बहुत खुशियां पाते हैं। मार्कस, मेरा अनुभव कहता है कि इंसान की अच्छाई और बुराई का उसके सुख और दुख से कोई सीधा संबंध नहीं होता। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द हैप्पीनेस ऑफ ए पर्सन एंड हिज मेरिट्स और डीमेरिट्स। जो अच्छे हैं उनको भी सुख और दुख दोनों मिलेंगे, और जो बुरे हैं उनको भी सुख और दुख दोनों मिलेंगे। फिर तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ सकता है, मार्कस फिर अच्छा क्यों बने? मार्कस, अच्छा इसलिए बनो कि अच्छाई से मिलने वाला एक संतोष, एक आत्मानुभूति, एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, वो तो तुम्हारी पूंजी होगी ना। अरे तुम जब सेवा करो तो उसका क्या प्रतिफल मिलता है उसके बारे में चिंतन मत करो। तुमने सेवा की, किसी ने ली, दोनों को आनंद मिला। एक बार की बात है कि मार्कस अपने राजमहल से बाहर जा रहे थे और हजारों लोग बाहर खड़े थे, मार्कस, हेल मार्कस, जय जयकार मार्कस की हो रही थी। मार्कस ने अभिवादन किया, आज जब तुम महल के बाहर गए हजारों लोगों ने तुम्हारी जय जयकार की। मार्कस, ये तुम्हारी जय जयकार नहीं थी, ये रोम के सम्राट की जय जयकार थी। यदि तुम रोम के सम्राट नहीं रहोगे तो ये जय जयकार नहीं होगी। मार्कस, जो मिला है उसे संतोष प्राप्त करो, जो कर्तव्य है उसका पालन करो, वीर बनो, क्षमाशील बनो, अपने धर्म का पालन करो। और अगली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण मार्कस ने कही, जो भी जीवन में आता है उसको स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस, अच्छा बुरा सबका स्वागत करो, बीमारी से मत डरो, रोग आते हैं चले जाते हैं, मृत्यु से भयभीत मत रहो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मृत्यु जीवन की एक प्रक्रिया का अंग है, अतः भयभीत मत रहो, क्षमाशील भी रहो। मार्कस के खिलाफ बहुत से षड्यंत्र हुए, तो मार्कस ऑरेलियस ने कभी किसी के साथ बदले की भावना से उसको दंडित नहीं किया। वो शक्तिशाली भी थे और क्षमाशील भी थे। उनके विचार जो वो डायरी में रोज लिखते थे, 1559 में मेडिटेशंस के रूप में सबसे पहले प्रकाशित हुए। हिंदी में एक छोटी सी किताब है आत्मचिंतन, सस्ता साहित्य मंडल की, उसमें उसका संक्षिप्तीकरण है, अवश्य पढ़िए। मार्कस को पढ़कर लगता है जैसे कि हम गीता का अध्ययन कर रहे हो, वही उच्चता, वही दिव्यता, वही भव्यता। नमस्कार।